नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। विशेष में आज बात एक ऐसी सीट की जो लगातार चर्चा में, हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी ने कंगना रनौत को टिकट दिया है और जिसके बाद से लगातार ये सीट सुर्खियों पर है। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस सीट से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। आज हिमाचल को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में विक्रमादित्य के नाम पर मोहर लगी है, जिसका खुलासा विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह ने किया। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। ऐसे में मंडी की लड़ाई क्वीन बनाम किंग की हो रही है। मंडी में अब नाक की लड़ाई है, मंडी में अब साख की लड़ाई है। एक तरफ स्टार चेहरा अपना सियासी डेब्यू कर रहा है तो दूसरी तरफ सियासी परिवार को अपनी पारंपरिक जमीन को बचाना है। हिमाचल की सबसे हॉट सीट मंडी, जिस पर अब कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी ने मंडी सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं अब कांग्रेस ने विक्रमादित्य को कंगना के खिलाफ उतारने का मन बना लिया है। मंडी से कौन प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के? मैम, हाईकमान का ये मानना था कि हमको नौजवान चेहरा देना चाहिए, तो उन्होंने ही रेकमेंड किया था कि विक्रमादित्य जी इस सीट पर लड़ेंगे। मंडी का सियासी मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने को तैयार है, जहां दो घरेलू धुरंधर चुनावी रण में उतरने को तैयार है। बीजेपी ने मंडी सीट से कंगना रनौत को टिकट देकर बड़ा दांव खेला, जिसके बाद सवाल खड़ा होने लगा कि कांग्रेस कंगना के खिलाफ किसे चुनावी मैदान में उतारेगा। मौजूदा सांसद और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। आखिरकार उस सस्पेंस से खुद प्रतिभा सिंह ने पर्दा उठाया। हालांकि प्रतिभा सिंह ने पहले ही संकेत दिए थे कि वो भले ही चुनावी मैदान पर ना उतरे, लेकिन उनका परिवार बिना लड़े हार मानने वाला नहीं है। एज फैक्टर तो है ही है, कंगना इज अ यंग गर्ल, शी मस्ट बी 36-37 और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज़्यादा मतलब कंपटीशन में हो तो बराबर बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जुड़ता है, यूथ भी जुड़ता है। चुनावी बेला है और चुनाव में जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान लेता है, वर्तमान में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी वहाँ से हमारी सांसद है, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा पिछली बार बाय इलेक्शन में और वहाँ से उन्होंने विजय प्राप्ति करी है। अब देखेंगे आने वाले समय में, जो पार्टी का आदेश रहता है, पार्टी का फरमान रहता है, उसको मानना मैं समझता हूँ कि हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि हम जो भी है वी आर देयर बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजर। भले ही कांग्रेस ने मंडी सीट को लेकर सस्पेंस बनाया, लेकिन कंगना के निशाने पर विक्रमादित्य पहले दिन से रहे, जहां उन्होंने छोटा पप्पू कहकर मंडी की सियासत को गर्म कर दिया। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई हमसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाएं। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है, हमें कोई छोटा सेवक कह दे हम तो गदगद हो जाएं। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की, अरे भाई किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं, छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। वैसे हिमाचल की सियासत में मंडी हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि सीसी में ये बात उठी कि कंगना रनौत के खिलाफ एक युवा प्रत्याशी को जमीन पर उतारना जरूरी है और प्रतिभा सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अब विक्रमादित्य ही कंगना रनौत के खिलाफ मंडी सीट से हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कितना दिलचस्प ये जो मंडी सीट का चुनाव है वो रहेगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह का परिवार और प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह एक लेगेसी लेकर आते हैं और किस तरीके से वो अपने आप को इस वक्त प्रोजेक्ट
करेंगे मंडी में, क्योंकि लगातार विवादित बयानों के बीच कंगना रनौत और प्रतिभा सिंह और कांग्रेस के बाकी नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, क्योंकि कंगना रनौत के खिलाफ एक विवादित बयान आया था, उसके बाद से ये चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प हो गया है। और अब सीईसी में जो तय हुआ है उसकी घोषणा होने वाली है कि विक्रमादित्य सिंह ही मंडी से कांग्रेस के प्रत्याशी बने। कभी कांग्रेस का गढ़ रही मंडी सीट पर बीते दो लोकसभा से बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि साल 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी इस परंपरागत सीट को बीजेपी से वापस छीनने में सफलता हासिल की थी। 70 के दशक की शुरुआत में मंडी की राजनीति में एक नए चेहरे की एंट्री हुई। 1971 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले वीरभद्र सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद 6 बार ये सीट परिवार के पास रही। ऐसे में अपनी पारंपरिक सीट को बनाए रखना कांग्रेस और खासतौर पर प्रतिभा सिंह के लिए विशेष चुनौती है। ना जाने हम लोगों से क्या गलती हो गई थी, क्या भूल की हमें सजा मिली है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें रही थी, बहुत बहुत कम कम मार्जिन था। और आज जिस विचारधारा को, जिस दुष्टता को, जिस भ्रष्टाचार को, जिन कुनीतियों को सारा देश त्याग चुका है, एक आधी और कोई स्टेट है जहाँ पे हिमाचल की गवर्नमेंट है। 2021 के उपचुनाव में तो वीरभद्र सिंह के निधन से पैदा हुई संवेदनाओं का लाभ परिवार को मिला और उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर ये सीट हथिया ली। लेकिन इस बार ये फैक्टर नहीं होगा। ऐसे में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को अपने बलबूते ही सियासी दमखम दिखाना होगा। हिमाचल प्रदेश की सियासत में दोनों माँ बेटे की जोड़ी को अपनी ही पार्टी में भी खुद को साबित करने की चुनौती है। Person will be formed up against Kangana Ranaut and there is no questions. We will fight like a war. Don't worry. राह कंगना रनौत की भी आसान नहीं है। एक ओर उन्हें राज परिवार की पारंपरिक सीट पर जीत हासिल करने हैं, तो ही अचानक हुई पैराशूट लैंडिंग से बीजेपी खेमे में चल रही नाराजगी को भी खत्म करना है। यही वजह है कि मंडी से बीजेपी सांसद रहे महेश्वर से मिलने खुद कंगना रनौत उनके घर पहुंची और परिवार का आशीर्वाद लिया। वहीं वो लगातार मंडी में रैलियां कर रही हैं, खुद को मंडी की बेटी बता रही हैं, विकास के वादे कर रही हैं, तो कांग्रेस राज की खामियां गिना रही हैं। आज तक भी वैसे मंडी की सीट में मुकाबला दिलचस्प है। कंगना अपने सियासी सफर की शुरुआत कर रही हैं, ऐसे में न केवल जमीन पर पूरा जोर लगा रही हैं, बल्कि अपने बयानों से भी लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। राजनीति का मैदान कंगना रनौत के लिए नया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से कंगना रनौत का रुख आक्रामक है। चुनाव प्रचार में कंगना वही तेवर दिखा रही हैं, जिसके लिए वो बॉलीवुड में भी जानी जाती रही हैं, और अब अपने उसी तेवर से मंडी की सियासत की तस्वीर बदलने की कोशिश में है। कंगना हर रैली में कांग्रेस के नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेताओं को निशाने पर ले रही हैं, लगातार मोदी सरकार के 10 साल के विकास वाले कामों का हवाला दे रही हैं, और अब अपने ताजा बयान में उन्होंने पीएम मोदी को भगवान राम का अंश बता दिया। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। जिस दिन से कंगना रनौत ने मंडी में प्रचार युद्ध की कमान संभाली है, उनके तमाम बयानों और तीखे अंदाज से हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है।
लेकिन इस बार कंगना ने प्रभु राम का जिक्र कर पीएम मोदी की तारीफ की तो और राज्यों से भी जवाबी हमले की शुरुआत हुई। क्या करें, कहां के कौन अभिनेत्री क्या कहते हैं, इसे कोई जवाब हमसे नहीं होता। चापलूसी करने के लिए क्या का कोई कोई कहां के कोई कुछ बोल देते, ये जवाब देने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं क्या? जिन्होंने बताया है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री ग्रेट लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा और माना कि ये जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो अब उनके बारे में मुझे क्या कहना चाहिए आप खुद ही बताइए। वो तो कुछ भी कह रही हैं और मोदी जी की जो पार्टी के हैं वो तो मोदी जी की जय जयकारा कर रही, करने तो अच्छी बात है चलो। बीजेपी के तमाम विरोधियों ने ऐसे बयान पर सवाल उठाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो कह दिया कि कंगना रनौत को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अंश हो वंश हो वो बीजेपी और उनके भक्तों का विचार है। इस देश में जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में, और हमें किसी अवतार की जरूरत नहीं है, हमें मनुष्य जाति के अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। आप अवतार ही है लेकिन देश की क्या हालत है देखिए आप। हालांकि कंगना चुनावी दाव पीच में ऐसे बयानों की अहमियत बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि मंडी के वोटों का भरोसा जीतने के लिए धर्म कर्म वाली सियासत को काफी अहमियत दे रही है। और तो और हर चुनावी रैलियों में पीएम मोदी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर का श्रेय दे रही है। ये तस्वीरें इसी साल 22 जनवरी की है जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कार्यक्रम में पहुंची कंगना रनौत ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से जय श्री राम का जय घोष किया उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इसके बाद से ही सियासी हलकों में कंगना रनौत की चुनावी एंट्री की अटकनी शुरू हो गई और लोकसभा की चुनावी दौड़ शुरू होने के साथ ही इस पर फाइनल मुहर भी लग गई। पिछले कुछ समय से कंगना ने न सिर्फ कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी बल्कि बॉलीवुड की कई हस्तियों से उनका पंगा भी हुआ। राजनीति के मैदान में उतरने के बाद यहाँ भी उनका वही अंदाज दिखा। मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं, उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है, वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। वो अपने, मुझे नहीं लगता वो जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाया गया है या बताने की कोशिश की गई है इतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है उन कुछ और वो जिंदगी में करते, जैसे हमने थ्री इडियट के जैसे फिल्में देखी हैं, बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर्स ही उनके शिकार होते हैं, वो खुद भी शिकार हो जाते हैं। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए